जय हिंद YouTube। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद है मस्त होगे, खुश होगे। हम लौट आए हैं अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट सूचना में। तो आज की सूचना, इन चार देशों के सात खिलाड़ी हुए एशिया कप से बाहर, लगा इन चार देशों को जबरदस्त झटका। जानते हैं कौन कौन से हैं ये खिलाड़ी, डिटेल के साथ इस छोटी सी वीडियो में, लेट्स गो। इसके पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, एशिया कप 2022 का टाइटल कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देवे। और अगर आपको लगता है कि भारत इस बार भी एशिया कप अपने नाम करने में कामयाब रहेगी, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की सूचना, लेट्स गो। इससे पहले जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं इस चैनल में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। तो शुरू करते हैं आज की ताजा सूचना, लेट्स गो। एशिया कप 2022। एशिया कप से पहले चोटिल हुए कई दिग्गज, इन टीमों पर आई मुसीबत, भारत की मुश्किलें भी बढ़ी। एशिया कप का आगाज होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बीच इस टूर्नामेंट में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। फैंस भी एशिया कप को लेकर काफी उत्साहित है, लेकिन टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही कुछ खिलाड़ियों की चोट ने जरूर टीमों को परेशानियों में डाल दिया है। आइए एक नजर डालते हैं उन खिलाड़ियों पर जो चोट के कारण एशिया कप का हिस्सा नहीं बन पाएंगे और पूरी तरह से एशिया कप से बाहर हो चुके हैं। हम ऐसे सात खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो चार अलग अलग देशों से हैं, और उन चारों देशों की परेशानियां इन खिलाड़ियों के चोटिल होने से उन बढ़ गई है। बांग्लादेश की टीम से हुए ये दो खिलाड़ी बाहर। जिम्बाब्वे दौरे पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद पिछले सप्ताह ट्रेनिंग के दौरान टखने की चोट लगने के कारण टीम से बाहर हो गए। इसके अलावा विकेट कीपर बल्लेबाज नरुल हसन उंगली की सर्जरी के कारण टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बांग्लादेश की टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज मोहम्मद नईम को जोड़ा गया है। नईम ने 24.51 की औसत से 809 T20 रन बनाया है। उनके नाम चार अर्धशतक भी शामिल हैं। तो बांग्लादेश की मुश्किलें हसन महमूद और विकेट कीपर बल्लेबाज नरुल हसन की चोट की वजह से बढ़ गई है। श्रीलंका को भी लगा एक बड़ा झटका। श्रीलंका के तेज तर्रार गेंदबाज दुश्मन चमीरा चोट के कारण टूर्नामेंट से ही बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह 28 वर्षीय नुआन तुषारा को टीम में शामिल किया गया है। जब टीम अभ्यास कर रही थी उसी दौरान दुश्मन चमीरा चोटिल हो गया, उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। श्रीलंका का पहला मुकाबला 27 अगस्त को ही अफगानिस्तान के खिलाफ दुबई में होना है, जिसके लिए टीम ने तैयारियां शुरू कर दी है। यह श्रीलंका को लगा बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है दोस्तों। पाकिस्तानी उम्मीद को लगा तेज तर्रार झटका। पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी घुटने की चोट के कारण एशिया कप से बाहर हो चुके हैं। एशिया कप 2022 के शुरू होने से ठीक एक हफ्ते पहले एक बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा, क्योंकि उनके तेज तर्रार गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी घुटने के चोट के कारण बाहर हो गए हैं। शाहीन को नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के हाल ही में समाप्त हुए एक दिवस श्रृंखला के लिए आराम दिया गया था, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ महीने से पाकिस्तान सुपर लीग और काउंटी चैंपियनशिप 2022 सहित नॉन स्टॉप क्रिकेट खेला था। बीच बीच में बिना रुके खेल खेलना अंततः लंबे तेज गेंदबाज पर भारी पड़ गया। घुटनों की चोट के कारण बाहर हो चुके हैं। 22 साल के मोहम्मद हसनैन को टीम में उनकी जगह मौका दिया गया है। हसनैन ने BPL, CPL, इंग्लिश काउंटी और 100 में अपनी गेंदबाजी से खासा नाम कमाया है। यही वजह है कि उन चयनकर्ताओं ने उन्हें एशिया कप की टीम में स्थान दिया है। पाकिस्तान को दूसरा झटका हसन अली के रूप में लगा है। शाहीन शाह अफरीदी के अलावा एक और बात जो पाकिस्तान को चिंता में डाल सकती है वह है हसन अली की चोट। हसन अली की चोट की वजह से उसे एशिया कप में शामिल नहीं किया गया था। वह 2017 चैंपियन ट्रॉफी के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट साबित हुए थे। भारत को खलेगी हर्षल और बुमराह की कमी। यह वास्तव में भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका है। जसप्रीत बुमराह जो कि 2018 में भारत के एशिया कप जीत का एक हिस्सा थे, पीठ की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। बुमराह जिन्होंने इंग्लैंड में 6 विकेट लिए थे, वेस्टइंडीज के खिलाफ सीमित ओवर की श्रृंखला के लिए ब्रेक दिया गया था और माना जा रहा था कि वह ब्रेक के दौरान उनकी लगी हुई चोट ठीक हो जाएगी। बुमराह की चोट भारत को एक बहुत बड़ा झटका दिया है, जबकि मध्यम तेज गेंदबाज हर्षल पटेल को पहले ही पसली की चोट के कारण प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा, जो कि उन्हें कैरिबियाई धरती में हुआ था। अब सबकी निगाहें अर्शदीप और आवेश खान जैसे युवा तेज गेंदबाजों पर टिकी हुई है, क्योंकि वे अपना पहला बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज गैर मौजूदगी में भारतीय तेज गेंदबाजों की देखरेख की जिम्मेदारी सीनियर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार पर होगी। तो ये थे दोस्तों चार देशों के सात बड़े खिलाड़ी, जिनके ना होने पर उनकी टीम पर काफी दबाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि वे सभी खिलाड़ी अपनी टीम के मैच विनर खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट सूचना में। तब तक के लिए जय हिंद।